Mom, what are you eating? Tell us. That is fried rice. This is chili chicken. This is puri. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रैवलर वी आर का हिमाचल और लद्दाख का मेगा सीरीज़ में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम केलोंग से पारला चाहो के सरचू तक आए। इस एपिसोड में हम बाकी का जो 250 किलोमीटर का जर्नी है लेह तक, उसके बारे में आपको बताएंगे। सरचू का कैंप एरिया क्रॉस करने के बहुत जल्दी ही आप एक तो चेक पोस्ट क्रॉस कर जाते हो और दूसरा आप लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में भी घुस जाते हो। इसके तुरंत बाद आपको क्रॉस करना पड़ता है गाता लूप, वेरी इनफेमस 21 हेयरपिन वाला लूप जो आपको नकीला पास के टॉप तक ले जाता है। लद्दाख में बने जो ब्रिज होते हैं नालाओं के ऊपर, उनके नाम बहुत अनोखे होते हैं। इसके बाद आता है व्हिस्की ब्रिज और उसके बाद रास्ता बहुत ही ख़राब हो जाता है और आपको क्रॉस करना पड़ता है लाचुंगला पास। सी लेवल से 16,600 फीट ऊपर बसे लाचुंगला पास में रास्ता बहुत ही ख़राब होता है। मोस्टली हवा बहुत तेज़ चलता है और ऑक्सीजन लेवल का जो रिडक्शन होता है वो आपको बहुत अच्छा फील होता है। लाचुंगला पास क्रॉस करने के बाद आपके सामने बहुत सारे नेचुरल फॉर्मेशन आने लगते हैं और उनमें से एक बहुत ही फेमस वाला है, फॉर ऑब्वियस रीजंस उसका नाम है द होल। दोस्तों, अभी हम पांग से अराउंड 20 22 की 23 किलोमीटर दूर पर है। अभी उतने बाद पांग आ जाएगा। अभी रास्ता आपका ब्रिजेज आते हैं, उनके इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे ब्रांडी ब्रिज, व्हिस्की ब्रिज। ऐसा व्हिस्की ब्रिज जब आप क्रॉस करोगे उसके बाद रास्ता सरचू के बाद व्हिस्की ब्रिज आएगा। सरचू के बाद व्हिस्की ब्रिज तक रास्ता एकदम मक्खन। उसके बाद जब क्रॉस करोगे आप गए गाटा लूप। हाँ, गाटा लूप कैसे भूल सकता हूँ। 21 हेयर पिन बेंड्स हैं और जो लोग कहते हो आप हेयर पिन बेंड चलाए हो ना, आप पिछले से सीख जाएंगे फिर से हेयर पिन में कैसे चलाते हैं। तो यही है अपडेट और देखते हैं हम आगे तक जाते हैं। और पांग के बाद सनसेट बहुत जल्दी हो गया और हम तंगलांगला पास पहुँचे बहुत रात को, जो कि बहुत ही डेंजरस है। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप तंगलांगला रात में क्रॉस करें। सी लेवल से 17,480 फीट ऊपर वैसे तंगलांगला पास बहुत ही ठंड है, बहुत ज़्यादा हवा चलता है और गाड़ी चलाने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर रास्ते में बर्फ़ हो। रात में ये सारे चीज़ें बस डबल हो जाते हैं। तंगलांगला क्रॉस करने के बाद हम रात को उपसी में पहुंचे 11:30 बजे और उपसी में ही नाइट हॉल्ट कर गए क्योंकि उसके सामने हम आगे बढ़ना सही नहीं समझे। पश्मीना शॉल जिस गोट के फार से बनता है वो गोट का फार्मिंग होता है उपसी में और ये एक छोटा सा गांव है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उपसी से निकल के ले की तरफ बढ़े और इंदाज व्यू पॉइंट और शे पैलेस क्रॉस करके ले एंटर किए। फाइनली दोस्तों, हम लोग लेह में चेक इन कर गए हमारे होटल में। तो थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ा, हम गोआइबो भी देख रहे थे पर लोकल होटल से भी बात कर रहे थे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स। अभी ये जो होटल हमें मिला ये पैलेस रोड जाने के साइड में है और डिपेंडिंग ऑन द सीज़न आपको प्राइस आएगा, ठीक है। हम लोगों को 2 में मिला तो आपको 3, 4, 1.5, 1 डिपेंडिंग ऑन राइट और रॉन्ग सीजन मिलेगा। पर यहाँ पे ले में एक चीज़ है, होटल आर वेरी कॉस्टली एंड नॉमिनल ऑल्सो। आपको 6,000 का, 7,000 का, 11,000 का भी होटल एक ही जगह मिलेगा, यहाँ पे 2,000 का होटल। तो यू हैव टू गो फाइंड अ लिटिल। हम इस होटल का डिटेल आपको दे देंगे क्योंकि रूम बहुत ही बड़ा है, फैमिली रूम, जैसे कि आप देख रहे हो। ये डबल बेड, ये सिंगल बेड एंड देर आर नाइस वॉल पेपर्स, वेरी गुड फील और एक अच्छा सा यहाँ पे व्यू भी आता है। कोई बालकनी तो है नहीं पर जो व्यू है
वो ख़राब नहीं है, देखो आप पीछे माउंटेन का व्यू आ जाता है। तो यहाँ पे हम मोस्टली आज रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे। और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, आप कहीं और स्टेट से आ रहे हो तो आपका सिम कार्ड यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा अगर आपका डेडिकेटेड एयरटेल या सेल वन का पोस्ट पेड है। फिर भी उसका गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हो काम करेगा, कुछ लोग करेगा नहीं करेगा। हमने भी नया सिम लिया है, तो आप ये याद रखिएगा आपको कोई सिस्टम है जो ओटीपी के हिसाब से चलता है वो यहाँ आके बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका वो पुराना नंबर गया। जब तक आप लद्दाख नहीं छोड़ते तब तक वो नंबर गया, तो आपको एक दूसरा नंबर लेना पड़ेगा जिसका रेंज होता है 250-500, कितना आप पैकेज ले रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और आपको वो नंबर जो है वो मिल जाएगा जूले ब्रिज से पहले। पर ये याद रखिएगा, और मैं जो हाँ रहा हूँ ना, ये इसलिए है कि हमने देखा बहुत सारे हाई में भी हमें कोई टेंशन नहीं हुआ, पर लिए में हवा बहुत हल्का है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। हम लोग कल लोग बारालाचा बोलते हैं, हम बारालाचा के बाद इस साइड में आके जब टांगलांगला पास से आए ना तो हवा निकल गया। दैट थिंग इज अबव 17,500 फीट। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा ऊँचा है, और रास्ते के ऊपर बर्फ आता है, बर्फ दलदल और वाटर सब मिल के रबल मिल के जो चीज़ होता है वहाँ पे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव। दैट्स वाई इट वॉज सो स्ट्रेनियस दैट वी हैड टू स्टे ओवर एरोप्सी यस्टरडे। आज रेस्ट थोड़ा कंटिन्यू करेंगे हल्का सा, शायद शाम को इधर उधर देखेंगे, कल से हमारा ट्रिप फिर से चालू होगा। देखते हैं कल यहाँ रहते हैं कहीं और जाते हैं, पर बेसिकली कल से हमारा ट्रिप चालू होगा फिर से। आज मोस्टली रेस्ट करेंगे, ठीक है, चलिए थैंक्स। क्या करते हैं आपको बता। तो ये था बारालाचा से लेह तक आने का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे जगह पे लेह में जो एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, और उसके बाद पैंगोंग जाएंगे, नुब्रा वैली जाएंगे। ट्रिप बहुत बड़ा है और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। इस पॉइंट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। और अगर आप कॉमेंट करते हैं, हम हमेशा कीबोर्ड के सामने बैठे हैं रिप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।